बहन जो थी ना बड़ी वाली, उसके लिए आ गया रात को मैं, क्योंकि आप अभी छोटी हैं, नहीं है आपके ना पैसे वैसे जो है जितने चाहिए हो, जो इधर उधर जाती हो, या मैं इधर आ जाया करो, मैं वैसे ही दे दूंगा। अब एक बार आप लोग भाई लोग कमेंट करके बताओ कि इस ने जो ये भाषा का प्रयोग कर रहा है हमारे किसी बहन के लिए, तो क्या सवाल पूछा गया होगा, क्या सवाल पूछा होगा, क्या लगा आपको? अनुराग भाई क्या लिख रहे हैं कि अरे यार क्या एक्सपोज कर रहे हैं भाई, आप सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, उसके दम पे अपने व्यूज ले रहे हैं। भाई मुझे नहीं पता, ठीक है यार कोई बात नहीं यार, तुम दोनों ठीक है कोई बात नहीं। अनुराग आप जाए भाई, मोहसिन को देखें, बनाते नहीं हैं। अनुराग भाई प्लीज, आपसे एक रिक्वेस्ट है यार। जो रियासी में अटैक हुआ था, आपने 2 साल के बच्चे की फोटो देखी थी? नहीं देखी थी? बस हमारे मासूम लोग मारे गए ना, 2 साल का बच्चा मारा गया, उसमें कहीं ना कहीं ये हमारे जो इंडियंस दे रहे हैं ना सुपर चैट, उनका भी आता, ध्यान रखना जो नए लोग आ रहे हैं इट्स ओके, जिनको नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा भाई। भाई। गौरव भाई, एक बच्चा है मेरा यार, ठीक है? आपने तो देखा है मेरा रसोम में। अरे कोई बात नहीं यार, डीसी इतना इतना तुम सेंटी मत हो यार, कम से कम। अरे यार, उस दिन बहुत रोया था मैं, 2 साल के बच्चे को देख के। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, ये वाली वीडियो जैसा कि आपने इंट्रो में देखा है, ये वाली वीडियो आपको दिखाने का मेरा जो पर्पज़ है वो ये है कि इन पाकिस्तानियों ने हमारे कुछ इंडियन भाइयों का जो ब्रेन वॉश इस तरीके से कर दिया है कि भाई ये लोग धड़ल्ले से हमारे इंडियंस को गाली दे रहे होते हैं, हमारी माओ बहनों को गालियाँ दे रहे होते हैं, लेकिन हमारे कुछ इंडियंस हैं जिनके मतलब आंखों पे इनके पाकिस्तान प्रेम वाली एक जो है पट्टी बंधी हुई है, ये लोग जाते हैं सुपर चैट दे रहे होते हैं दबा के, और जब हम इनका काउंटर कर रहे होते हैं तो ये लोग हमारे लाइव में आके हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ही गालियां दे रहे होते हैं। हमारे भाई हमें गालियां दे रहे हैं, ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया इन पाकिस्तानियों ने। बाकी देखो, ये सब कुछ देखने के बाद में भाई मैं तो यही चाहता हूँ गवर्नमेंट एक्शन ले भाई इस पर, जितना ज़्यादा हो जाए उतना एक्शन ले। सबसे पहले तो ये पाकिस्तानी जो दो कौड़ी के यूट्यूबर्स हैं इन पे एक्शन ले, उसके बाद जो हमारे इंडियंस इनको सुपर चैट दे रहे हैं भाई इनके ऊपर भी एक्शन होने चाहिए। खैर आप ये वीडियो देखें, मेरी आपसे बस रिक्वेस्ट एक ही है कि अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। पहले ये क्लिप सुनो भाई लोग, छोटा सा क्लिप है 15 सेकंड का, एक क्लिप जरा सुनो एक बार, इसने इस जाहिल गवार जंगली ने क्या कहा है, पहले एक बार सुनो। बहन जो थी ना बड़ी वाली, उसके लिए आ गया रात को मैं, क्योंकि आप अभी छोटी हैं, भी नहीं है आपके ना पैसे वैसे जो है जितने चाहिए हो, जो इधर उधर जाती हो, एरिया में इधर आ जाया करो, मैं वैसे ही दे दूंगा। भाई लोग हुआ क्या है कि कल आपको पता है ये जो ये एक्चुअली कल अपने वो करता है ना ये रात के टाइम पे 3 बजे वो परदेशियों वाला शो, ताकि वो इंडियंस एनआरआई को बेवकूफ बनाए और मीठी मीठी बातें कर करके वहां से पैसे ले, ठीक है। तो उसी में सना नाम की कोई बहन जो है वो आती है, वो कमेंट क्या था जो इसने बैन कर दिया वो तो मुझे नहीं पता चला, जिस कमेंट पे ये भड़का। मे बी शायद सना ने पूछा हो पैसे के लिए, जो भी उनका नाम हो, सना ये नाम ले रहा है तो शायद वो पैसे के लिए पूछा हो। उस बहन ने क्या सवाल पूछा होगा जिसका जवाब ये जो है वो इस तरह का जवाब दे रहा है। एक बार जरा आप सुनो और एक बार बताओ कि वो क्या सवाल उसने करा होगा। देखो, मुझे जैसा लगता है ना गौरव भाई, मैं अपना बता देता हूँ मुझे क्या लग रहा है। पहले जो सना नाम से थी ये लेडीज जो भी थी, ठीक है, अब इंडिया से थी या पाकिस्तान से, ज्यादातर तो इंडियंस ही देखते हैं तो यहाँ तक इंडियंस होंगे, तो उन्होंने पहले कोई मतलब ठीक ठाक मैसेज किया, पहले भी मतलब एक बार मैसेज कर चुकी थी, तो उसपे इसने अच्छा खासा रिप्लाई दिया, ठीक ठाक रिप्लाई दिया, मतलब कोई गाली गलौज नहीं की इसने। दोबारा जो मतलब उन्होंने मैसेज किया, मुझे लग रहा है उन्होंने यही पूछा होगा कि भाई तुम इतनी नाइट को क्यों आते हो, बात करेक्ट समझ रहे हो? करेक्ट तो इसी पे ये बंदा भड़क गया भाई। अब बताओ इसमें, इस क्वेश्चन में आपको क्या गलत लग रहा है भाइयों? कुछ गलत लग रहा है इस क्वेश्चन में कि भाई तुम लोग रात को क्यों आते हो? रात को तुम्हें देखने कौन आता है? भूत आते हैं क्या? बताना उसका जवाब देता सीधा सीधा कि भाई ये वजह है, मैं नाइट को इसलिए आता हूँ। गाली गलौज का क्या मतलब है भाई? बिल्कुल सही कह रहे हैं डीसी भाई। यहाँ पे एक्चुअली अगर आप इसका जवाब सुनो इस का, तो इससे यही सवाल पूछा गया था सना, जो आपकी बहन जो थी ना बड़ी वाली, उसके लिए आ गया रात को मैं। तो इससे क्लियर कट बात है। हम सवाल इससे यही पूछा गया था कि आप इतने रात में क्यों आए हो,
रात में आप स्ट्रीम क्यों कर रहे हो? क्या इसका जवाब ये हो सकता था कि भाई मुझे अपना वीडियो करना है तो मैं आ गया, मेरा ये टाइम है, मैं इस टाइम शो करता हूँ। वैसे लोगों के लिए जो दिन में हमारे वीडियो नहीं देख पाते, मैं उनके लिए शो करता हूँ, क्या इसका जवाब ये नहीं हो सकता था भाई? चाहे वो इंडिया की लड़की हो या पाकिस्तान की लड़की हो, अगर कोई टाइम पे कोई बंदा लाइव स्ट्रीम कर रहा है और कोई उसे पूछ रहा है कि आप इतने रात में मतलब क्यों कर रहे हो, लेट नाइट आप इतना ज्यादा लाइव क्यों कर रहे हो, तो कोई भी यही कहेगा कि यार देखो मैं तो डेली करता हूँ, मेरा ये टाइम है, मैं उन लोगों के लिए करता हूँ जो दिन में हमारे वीडियो नहीं देख पाते हैं, इस कारण मैं बाहर के लोगों के लिए करता हूँ। क्लियर कट जवाब था ना, क्लियर कट जवाब था। लेकिन इस डीसी बोलो यार, जो वर्ड मेरे मुंह में आ रहा है वो बोल दूंगा। तो यार नहीं, यहाँ पे गौरव भाई, कोई भी बंदा आके, हम देखो डेली 8:40 पे आ रहे हैं ना हमारे चैनल पे, आ गया कोई भी अगर हमसे पूछता है कि भाई तुम 8:40 पे ही क्यों आते हो, दिन में क्यों नहीं आते, तो उसकी हम वजह बताएंगे ना कि भाई दिन में हमें हमारे पास में ये काम होते हैं, या फिर हमारे देखने वाले जो भाई हैं अपने ज्यादातर जॉब्स वाले हैं वो अपनी जॉब पे रहते हैं, शाम को सभी फ्री हो जाते हैं, 8:40 के बाद में लगभग सभी फ्री होते हैं, अपने बेड पे होते हैं सभी, तो ये वजह होती है हमारी लाइव आने की 8:40 पे। लेकिन ये रात को 3 बजे क्या भूतों को दिखाने के लिए अपनी लाइव स्ट्रीम आता है क्या? सीधा बोल, पैसा कमाने के लिए आता है। परदेशियों का शो का नाम क्यों रखा भाई, क्यों रखा तूने? ताकि विदेशी लोग जो NRI बैठे हुए हैं बाहर तेरी वीडियो देखें और तेरी वीडियो का जो RPM है ना, जो रेट मिलता है एड का, वो ठीक ठाक मिले तुझे, और दूसरा NRI दवा के तुझे सुपर चैट दें। ये वजह है और कोई वजह नहीं है इसकी। नहीं, मुझे लगता है पता है कि अब सॉल्यूशन कुछ नहीं है भाई, इसका सॉल्यूशन एक्चुअली यही ये रह गया है ना कि ऐसे लोगों को भाई मैं तो कहूंगा एक्स पे जाके आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, IT मिनिस्ट्री को टैग कर करके इनके क्लिप्स भेजो, सालों के क्लिप्स भेजो, ठीक है, ताकि सरकार का नजर पड़े कि ये लोग इतनी बकवास कर रहे हैं यहाँ बैठ के अपने यूट्यूब चैनल पे। ऐसे लोगों को अगर कोई भी भाई, देखो बहुत लोग सहानुभूति वाले हैं आपको पता है, जो उनको सुपर चैट देते हैं। अनुराग भाई क्या लिख रहे हैं कि यार क्या एक्सपोज कर रहे हैं भाई, आप सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, उसके दम पे अपने व्यूज ले रहे हैं। भाई मुझे नहीं पता, ठीक है यार कोई बात नहीं यार, तुम दोनों ठीक है कोई बात नहीं। अनुराग आप जाए भाई मोहसिन को देखें, हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, इट्स ओके, आप जाके मोहसिन को देख सकते हैं, चाहे किसी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को देख सकते हैं, हम व्यूज ले रहे हैं, तो आप अपना व्यूज ना दे, आप अपना व्यूज हमें ना दे, ये आपके। अनुराग भाई आपकी बातें समझ के हम समझ चुके हैं, ठीक है, आप भाई आपकी मर्जी है, जहाँ पे जाए या जिसको देखें वो आपकी मर्जी है अनुराग भाई, बस ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि भाई ये पाकिस्तानी कहीं पे भी धमाका करें, कहीं पे भी धमाका करें उसमें भाई नहीं कोई क्षति ना हो आपको, बस मैं तो ये बोलूंगा। देसी जो मोहसिन किसी अभी कह रहा था ना किसी बहन के बारे में, ठीक है, तो हम यही उम्मीद करेंगे अनुराग भाई की, ये कभी किसी आपके रिलेटिव को या फिर आपकी बहन के बारे में कभी ये ना कह दे, हम ये नहीं चाहते कि कभी वो कह दे, बाकी आपकी मर्जी, आपको जहां ठीक लग रहा आप जाएं, लेकिन हाँ जिस तरह का बात आपने लिखा है, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें व्यू ना दे, बिल्कुल आप हमें व्यू ना दे। नहीं अनुराग भाई प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, जो रियासी में अटैक हुआ था आपने 2 साल के बच्चे की फोटो देखी थी नहीं देखी थी, बस ये बता देना यार, फिर आप बोलोगे इसमें इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का क्या मतलब है ना, यही बोलोगे ना, ज्यादातर हमारे इंडियंस के पास में यही एक क्वेश्चन रहता है कि भाई उसमें पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का क्या मतलब है। 50% मतलब जो रेवेन्यू होता है ना उसमें से 50% टैक्स यूट्यूबर्स से पाकिस्तानी गवर्नमेंट लेती है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो कुछ नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी लेती है 50% का मतलब समझ रहे हो, आपकी सैलरी में से आधा रुपया पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तानी आर्मी ले रही है, जिसमें से जिहादियों के लिए पैसा जा रहा है, पाकिस्तानी आर्मी के लिए हथियारों के लिए पैसा आ रहा है, जिहादियों के हथियारों के लिए पैसा आ रहा है, ठीक है, रियासी में जो हमारे मासूम लोग मारे गए ना, 2 साल का बच्चा मारा गया, उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो इंडियंस दे रहे हैं ना सुपर चैट, उनका भी आता है, ध्यान रखना, भले ही रोते रहना है, गाली देते रहना मुझे, मैं तो भाई क्लियर बोलूंगा गौरव भाई। अरे डीसी कोई बात नहीं, we don't need to explain यार, ठीक है, हमें explain करने की कोई जरूरत नहीं है, जो हमारे viewers हैं वो जानते हैं, ठीक है, जो नए लोग आ रहे हैं it's okay, जिनको नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा भाई। भाई गौरव भाई एक बच्चा है मेरा यार, ठीक है, आपने तो देखा है मेरा सॉन्ग में। अरे कोई बात नहीं यार डीसी, इतना तुम सेंटी मत हो यार, कम से कम
अरे छोड़ो यार, जो नहीं समझना चाहते हैं यार उनको एक्सप्लेन क्यों करना है यार। डीसी भाई यार मतलब नहीं बनता मेरे भाई। अरे यार उस दिन बहुत रोया था मैं, 2 साल के बच्चे को देख के। अरे डीसी कोई बात नहीं है, छोड़ना यार। यार जो नहीं समझना चाहते उनको समझाने का जरूरत ही नहीं है यार। डीसी मेरा कहना है यार, इट्स ओके, जिनको लगता है पैसा कमाने के लिए बैठते हैं ना, उनको उनको वो उनको मुबारक हो भाई, उनको उनकी सोच मुबारक हो, ठीक है। बट मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के लिए आंसू बहा के फायदा नहीं है भाई, ठीक है। हमें किसी को एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है कि हम यहाँ क्या काम करने के लिए बैठे हुए हैं और क्यों करना है। थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हें बैक कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई लोग देखो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सभी से, ठीक है। ये जो भी लोग है ना, मैं कह रहा हूँ जो भी ये हरामखोर पाकिस्तानी व्यूअर आ रहे हैं यहाँ पे कमेंट करने के लिए, ये यहाँ से निकल जाओ एंड दोबारा चैनल्स पे आना मत। सामने मिल गया तो क्या करूंगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन चैट पे आने की जरूरत नहीं है। तुम सुअरों की दो कौम की औकात नहीं है ये जो भी लोग आ रहे हैं, ठीक है। जाके भीख मांग, जाके आटे का जुगाड़ कर, जाके बकरी खोज अपने लिए, वहां तुझे सेटिस्फेक्शन मिल सके। ओके, तो मुझे नहीं पता था भाई कि डीसी इतना सेंटी हो जाएगा। यार देखो, मैंने कहा ना, जिन लोगों को नौटंकी लगता है यार उनको नौटंकी लगता रहे,